सपा और बसपा ने अपनी मतभेद भुलाकर कायम किया गठबंधन, जिसे हराना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल। वहीं कांग्रेस अपने अगले कदम का ताना बाना बुनने के लिए अकेली पड़ी। लखनऊ का हर चौराहा 12 जनवरी को अखिलेश यादव और मायावती की तस्वीरों वाले होर्डिंगों से पटा था। इस दिन समाजवादी पार्टी, सपा और बहुजन समाज पार्टी, बसपा ने लोकसभा चुनावों से पहले एक साथ आने का ऐलान किया। प्रेस वार्ता में मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय हित में सपा के साथ हाथ मिलाने का फैसला लिया है। दोनों दलों ने राज्य में लोकसभा की 38-38 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के लिए और 2 दूसरे सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी। सपा बसपा इससे पहले 1993 में साथ आई थी, पर वह गठबंधन 2 साल में बसपा के समर्थन वापस लेते ही टूट गया था। उस वक्त करवाहट इतनी बढ़ गई थी कि सपा कार्यकर्ताओं ने 1995 में लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस में ठहरी मायावती पर हमला बोल दिया था। इस घटना ने दोनों दलों को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना दिया था। 12 जनवरी की प्रेस वार्ता में मायावती ने गेस्ट हाउस की घटना का 2 बार जिक्र करते हुए कहा कि यह गठबंधन राष्ट्र के हित में है।